मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज रविवार को अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह रामगोपाल यादव एक मंच पर आ गए। बताते चले कि अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में बताते हुए कहा कि हमारी कोई चाचा से दूरियां नहीं थी, ये तो दिखाया गया बीजेपी की तरफ से, कोई दूरियां नहीं थी, राजनीतिक दूरियां थी लेकिन ऐसी कोई पारिवारिक दूरियां नहीं थी, हमारे चाचा ही हैं। ये सब बात करते हुए आप देख रहे हैं वीडियो में, उन्होंने कहा कि अब तो जसवंत नगर करहल तो हम जीत ही रहे हैं और मन बना के किसनी भी बैठा है और साथ में भोगांव भी हम जीतने जा रहे हैं। तो इस तरह से बातें करते हुए चाचा शिवपाल के पैर छुए, रामगोपाल के पैर छुए अखिलेश यादव ने एक मंच पर, और जितने भी कार्यकर्ता प्रसपा के थे और समाजवादी पार्टी के, बहुत जो है कि खुशी महसूस करते हुए नजर आए। तो जो गोदी मीडिया दिखाती है वो था नहीं, इस सब चीज़ों को मैं पहले ही बोल रहा था। और अखिलेश यादव ने दोनों अपने चाचा के पैर छूते हुए नजर आए और शिवपाल सिंह यादव ने उनको आशीर्वाद भी दिया। इस वीडियो को देखिए। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा और भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीते जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इसका। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव,